मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र पाल, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। आज मैं आप लोगों को MAAH 106N पेपर में इकाई 10 गुप्त साम्राज्य के विघटन के कारण के विषय में पढ़ाएंगे। इस इकाई का मुख्य उद्देश्य आपको गुप्त साम्राज्य के पतन से संबंधित जानकारी प्रदान करना है। गुप्त साम्राज्य का पतन किन किन कारणों से हुआ, इसकी विस्तृत जानकारी इस इकाई में प्रदान की जाएगी। इसमें प्रस्तावना है, गुप्त साम्राज्य का निर्माण समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने बड़े यत्न से किया था। यत्न मतलब प्रयास से, प्रयत्न से, बड़ी मेहनत से गुप्त साम्राज्य का उदय अभ्युदय समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने मिल के उसके साम्राज्य को खड़ा किया था और विकास किया था, विशाल किया था और काफ़ी विकास किया था, काफ़ी चर्चित था समाज में। परंतु उनके उत्तराधिकारी किसके, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी जो गुप्त साम्राज्य में थे, उत्तराधिकारी इतने दुर्बल निकले कि वे इस विशाल साम्राज्य को बचाने में असफल रहे। कौन? गुप्त साम्राज्य के पतन में उनके उत्तराधिकारी इतने दुर्बल यानी कमजोर निकले कि इस विशाल साम्राज्य को बचा नहीं पाए पतन से। उसके पीछे कारण था अयोग्य उत्तराधिकारियों के अतिरिक्त 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत की राजनीतिक स्थिति तेजी से परिवर्तित हो रही थी। किस शताब्दी के उत्तरार्ध से? उत्तरार्ध मतलब अंतिम दौर, 5वीं शताब्दी के अंतिम दौर में भारत की राजनीतिक स्थिति में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। इसका प्रभाव भी साम्राज्य के अस्तित्व पर पड़ा। सचमुच उस समय अनेक स्थानीय राजाओं का उदय हुआ। उस समय अनेक स्थानीय यानी साम्राज्य में ही अगल बगल छोटे छोटे राजाओं का अभ्युदय हुआ जिनके चलते गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। जब किसी साम्राज्य में, किसी राजतंत्रात्मक प्रणाली में छोटे छोटे राजाओं का उदय होता है, छोटे छोटे पार्टियां उदय होता है, तो मुख्य राजा कमज़ोर पड़ने लगता है अपनी शक्ति से। और छोटे छोटे राज्यों में बटने पर वह अपने अधिकार कर्तव्य को मांगने लगते हैं, वह अपने अनुसार साम्राज्य को चलाने लगते हैं, अपने नियमावली बनाने लगते हैं, अपने अनुसार अपने साम्राज्य का विकास करने लगते हैं, अपने अनुसार अपने साम्राज्य का नियम कानून बनाने लगते हैं उन और उतनी प्रजा को अपने वश में कर लेते हैं। इसीलिए गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। यह विचारणी है कि विशाल गुप्त साम्राज्य का पतन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यानी यह कोई आकस्मिक एकाएक घटित घटना नहीं थी। यह पूर्व में नियोजित छोटे छोटे राजाओं के द्वारा, जो छोटी छोटी राजसत्ता थी उनके जो सत्ता थी उसमें अयोग्य राजा का उदय होने पर और अपने मुख्य राजा से दूरी बनाकर अपने अनुसार सत्ता को चलाना और अपने अनुसार राजा बनना और अपने को सर से समझना और हम ही है और बड़े लोगों से सलाह न लेना, इसका कारण भी विघटन में शामिल है।
मुगल साम्राज्य की भांति गुप्त साम्राज्य का पतन भी क्रमिक था। जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था क्रमशः, उसी तरह गुप्त साम्राज्य का पतन भी क्रमिक हुआ, क्रमशः हुआ, एकाएक नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। उसके पीछे उसके जो उत्तराधिकारी थे अयोग्य थे, योग्य नहीं थे, उनके पास अनुभव नहीं था राजतंत्रात्मक प्रणाली चलाने के लिए, कैसे साम्राज्य कैसे शासन सत्ता चलाई जाए, उनको ज्ञान का अभाव था। मुगल साम्राज्य की भांति गुप्त साम्राज्य का पतन भी क्रमिक था। इसकी पृष्ठभूमि में कमजोर उत्तराधिकारी, इसके पृष्ठभूमि में क्या क्या कमियां थी, कमजोर उत्तराधिकारी, राज दरबार में फूट फूट, कमजोर उत्तराधिकारी हुए तो यानी मुख्य राज दरबार में फूट पैदा हुई, उसी से अन्य उत्तराधिकारी क्षेत्रीय राजा उत्पन्न हुए और वह अयोग्य थे। प्रांतपतियों की स्वतंत्रता, यानी जो प्रदेश स्तर के अलग 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 प्रांतपति थे, जैसे प्रदेश का मुखिया, वह अपने को स्वतंत्र रहने के लिए, स्वतंत्र सत्ता चलाने के लिए स्वतंत्र था, और उसी स्वतंत्रता के वजह से उसके अंदर अयोग्यता थी, इसीलिए उसके पतन के पीछे और कारण थे। नए राजवंशों का उदय, इसमें नए जो राजवंश थे, छोटे छोटे राजवंश हुए, छोटे छोटे सत्ताएं हुई, वह अपने तरफ खींचती रही कि मैं और अपनी सत्ता को विशाल बना लूं, छोटे छोटे राजतंत्र को मिला लूं और हम विशाल बन जाएं। उसी में अहम अहंकार आया और सत्ता को पाने के लिए आपस में फूट पड़ी कि हम भारी कि आप भारी। प्रांतपतियों की स्वतंत्रता, जैसे प्रदेश स्तर के प्रांतपति थे, वो अपने को स्वतंत्र रूप से महसूस करने लगे। नए राजवंशों का उदय, नए नए राजवंशों का अभ्युदय हुआ, नए नए राजसत्ता स्थापित हुई। आर्थिक कमजोरियां, इसके पीछे आर्थिक रूप से कमजोर सत्ता भी हुई, जैसे छोटे छोटे राजवंश हुए तो उनके पास आर्थिक संसाधन कम थे, तो आर्थिक कमजोरी भी इसके पीछे कारण रही। एवं विदेशी आक्रमण मुख्य थे, यानी विदेश से जो आक्रमणकारी आक्रमण करके राजसत्ता को हथियाना चाहते थे, कमजोर करना चाहते थे, वह भी इसमें एक कारण बना। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण में मुख्य मुख्य अयोग्य उत्तराधिकारी, वाह आक्रमण, आंतरिक दुर्बलता, अंदर से कोई शासन सत्ता कमजोर हो जाती है, बाहर नहीं दिखाई देती तो भी जो है शासन सत्ता छिन जाती है। और गुप्त साम्राज्य पतन कारण अयोग्य उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी जो मुख्य राजा थे, राजवंश था समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के बाद, उसमें योग्य उत्तराधिकारी न होने के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, और उसमें वाह आक्रमण भी मुख्य कारण रहा। जो बाहर की शासन सत्ता थी उनके आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। सामंतों की स्वतंत्रता, सामंतशाही जो स्वतंत्रता थी, सत्ता थी, उसमें स्वतंत्रता, वह स्वतंत्र रहना चाहता था, स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहता था। और प्रशासनिक कमजोरियां, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो कार्यप्रणाली चलाते थे, कार्य योजना बनाते थे, जो राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, वह भी कमजोर पड़ गए थे। नई शक्तियों का उदय, और उसमें छोटी छोटी नई शक्तियों का जो उदय हुआ था वह भी इसमें पतन में कारण हुआ। और अगला है आर्थिक दुर्बलता, आर्थिक दुर्बलता भी इसमें कारण रही पतन में। और पहला है अयोग्य उत्तराधिकारी, बुद्ध गुप्त के बाद से गुप्त साम्राज्य का वास्तविक पतन प्रारंभ हो गया। किसके बाद से, बुद्ध गुप्त के बाद से गुप्त साम्राज्य का वास्तविक पतन प्रारंभ हो गया था। उसके बाद के गुप्त नरेश न तो दूरस्थ, उसके बाद के गुप्त नरेश न तो दूरस्थ प्रदेशों के सामंतों को अपने अधीन रख सके, और न विदेशी आक्रमणों से
अपने साम्राज्य की रक्षा ही कर सके। बुद्ध गुप्त के बाद शेष सभी गुप्त शासक प्रभावहीन थे, यानी बुद्ध गुप्त के बाद जितने भी शासक हुए वह प्रभावशाली नहीं थे, वह प्रभावहीन थे, उनका कोई प्रभाव सातन शासन सत्ता पर नहीं था, गुप्त साम्राज्य पर नहीं था, वह प्रभावहीन थे। परिणामतः वे पतन को रोकने में समर्थ न हुए, यानी उनका कोई प्रभाव नहीं था, वह दुर्बल थे, कमजोर थे, इसीलिए गुप्त साम्राज्य के पतन को रोकने में वह समर्थ न हुए और अंत में गुप्त साम्राज्य समाप्त हो गया। किसके कारण? अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण गुप्त साम्राज्य समाप्त हो गया। अब अगला है वाह आक्रमण। शक्तिहीन सत्ता को देखकर ही विदेशी आक्रमणकारियों का मन बढ़ता है। शक्तिहीन सत्ता को देखकर ही विदेशी आक्रमणकारियों का मन बढ़ता है। जैसे किसी कोई राजसत्ता राजतंत्रात्मक कोई सत्ता चल रही है, कोई शासन व्यवस्था चल रही है, तो उसके बगल का पड़ोसी विदेशी जो होता है देखता है कि शासन सत्ता इस समय कैसी चल रही है, दुर्बल है कि मजबूत है कि कमज़ोर है, तो वह दुर्बल रहने पर भी पर ही वह आक्रमण करते हैं। इसीलिए वो बार बार आक्रमण करते करते उनका मन बढ़ गया। जब गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था, यानी जब गुप्त साम्राज्य का उदय हो रहा था, अभ्युदय हो रहा था, तब कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। यानी जब कोई साम्राज्य की शासन सत्ता का उदय होता है तो वह मजबूत होती है, विशाल होती है और हर तरह से मजबूत होती है, उसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर पाता है। स्कंद गुप्त के बाद गुप्त शासक कमज़ोर पड़ गए, यानी स्कंद गुप्त के बाद मुख्य रूप से गुप्त शासक कमज़ोर पड़ गए और हूणों ने फिर गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। और हूणों ने फिर किस पर आक्रमण किया? गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया, यानी हूण लगातार गुप्त साम्राज्य पर निगाह गड़ाए रखे कि इनकी शासन सत्ता कब प्रभावहीन होती है, कब कमज़ोर होगी, तब हम आक्रमण करेंगे। यही विदेश पड़ोसी देखते रहते हैं कि कब बगल का पड़ोसी कमज़ोर होता है तो हम आक्रमण करके उसकी सत्ता को हथिया लेते हैं। यह 485 ईस्वी के बाद मध्य भारत पर कितने के बाद 485 ईस्वी के बाद मध्य भारत पर हूणों ने अपना अधिकार कर लिया था। आंतरिक दुर्बलता राज्याधिकार के लिए गुप्तों के संघर्ष ने भी किसके लिए राज्याधिकार के लिए गुप्तों के संघर्ष ने भी साम्राज्य की शक्ति को कमज़ोर बना दिया था। राज्याधिकार के लिए गुप्तों के संघर्ष ने भी साम्राज्य की शक्ति को कमज़ोर बना दिया था। घरेलू झगड़ों और बाह्य आक्रमणों से साम्राज्य के विघटन में काफ़ी सहायता पहुंची। जैसे किसी परिवार हो या राजतंत्रात्मक प्रणाली हो, राज चाहे शासन सत्ता हो, उसके पारिवारिक घरेलू कलह में जब कलह पैदा होती है तो वह अंदर से कमज़ोर दुर्बल हो जाता है, वह अपनी शक्ति उसी परिवार में लगा के छिड़ कमज़ोर हो जाता है, तो इसीलिए वह धीरे धीरे कमज़ोर होते हो जाता है और बाहरी आक्रमण के लोग आक्रमण शक्तियाँ आक्रमण करती हैं और घरेलू झगड़ों और वाय आक्रमणों से साम्राज्य के विघटन में काफ़ी सहायता पहुंची। वे न तो पर्याप्त शक्तिशाली थे और न नीति निपुण ही, वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे और उनकी कोई नीति निपुण नियमावली भी नहीं थी कि नीति निपुण हो और नीतियों में सफल हो। वे अपने प्राचीन संबंधी तथा मित्रों के साथ अपने अच्छे संबंध का निर्वाह नहीं कर सके। किसके साथ?
वे अपने प्राचीन संबंधी, जो उनके पुराने प्राचीन सगे संबंधी थे जो उनकी सहायता कर सकते थे, वह और मित्रों के साथ अपने अच्छे संबंध का निर्वाह नहीं कर सके। शासन सत्ता तब जाती है जब आप अपने सगे संबंधियों से कमज़ोर हो जाते हैं, मित्रों से कमज़ोर हो जाते हैं और अच्छे संबंधों का निर्वाह नहीं कर सकते हैं और अपने संबंधों को प्रगाढ़, मजबूत और विश्वसनीय नहीं बनाएंगे तो शासन सत्ता कमज़ोर हो जाएगी। उनकी अकर्मण्यता या अनभिज्ञता से भी साम्राज्य का पतन निकट आ गया। किसके कारण? उनके अकर्मण्यता यानी कार्य प्रणाली, कार्यशैली उनकी सही न होने के कारण, और अनभिज्ञता यानी बहुत सी चीज़ों की जानकारी न होने के कारण, यानी जानकारी नहीं ली गई, सतर्कता नहीं बरती गई, से भी साम्राज्य का पतन निकट आ गया। अगला है सामंतों की स्वतंत्रता। केंद्रीय शासन की दुर्बलता से लाभ उठाकर, किसके शासन की दुर्बलता से? केंद्रीय शासन की दुर्बलता से लाभ उठाकर प्रांतीय शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली। जैसे केंद्र सरकार की दुर्बलता से अलग अलग प्रांत अपनी स्वतंत्रता घोषित कर लेते हैं, अपने को स्वतंत्र हो लेते हैं कि अब हमारे ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, केंद्र का नियंत्रण नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी राजसत्ता, अपनी राजतंत्रात्मक प्रणाली, अपना अलग प्रदेश, अपना अलग प्रांत गठित करेंगे और उसमें स्वतंत्र होकर राज्य करेंगे। इसीलिए कहा गया केंद्रीय शासन की दुर्बलता से लाभ उठाकर प्रांतीय शासकों ने यानी प्रदेश के शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली। सुदूर प्रांतों का शासन करना असंभव हो गया। मतलब जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई तो उसका सुदूर प्रांत, जो दूर का प्रांत था, उस पर शासन करना असंभव हो गया। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। सामंत समयांतर में राजा बन बैठे। सामंत जो छोटे छोटे राज्यों के थे, बाद में कैसे समयांतर मतलब समय बीतने पर वह राजा बन बैठे, अलग अलग प्रांतों के राजा बन बैठे। प्रशासनिक कमजोरियां, यह सर्वविदित है कि आरंभिक गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के प्रबल संरक्षक थे। क्या निश्चित है? यह सर्वविदित है कि आरंभिक गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के प्रबल संरक्षक थे। जो इसके पहले गुप्त सम्राट थे वह हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे, वह हिंदू धर्म को बचाए रखे, प्रबल संरक्षक थे, बचा के रखते थे। किंतु बाद के गुप्त शासकों, उसके बाद के गुप्त शासकों यथा बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य का झुकाव, किसका किसका झुकाव? बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था। इससे भी गुप्त साम्राज्य को आघात पहुंचना स्वाभाविक था। जैसे किसी भी शासन सत्ता राजतंत्रात्मक प्रणाली में अलग अलग विचार, अलग अलग चिंतन, अलग अलग सोच के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग शासन सत्ता, अलग अलग चिंतन वाले, तो वह अपने विचारों की तरफ लोगों को खींचते हैं और उसी तरफ ले जाते हैं, वह अपनी शासन सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए कहा गया वह बौद्ध धर्म की ओर उनका झुकाव था। किसका? बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था, इसलिए उधर खींच के ले गए। इसके पतन में, गुप्त साम्राज्य के पतन में इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इससे भी गुप्त साम्राज्य को आघात पहुंचना स्वाभाविक था। अशोक के बाद मौर्यों की तरह, किसके बाद? अशोक के बाद मौर्यों की तरह सैनिक कुशलता को अभीष्ट महत्व नहीं दिया जाता था। यानी अशोक के शासन सत्ता तक सैनिक कुशलता, सैनिक मजबूत था,
दुर्बल नहीं था और कमज़ोर नहीं था। सैनिक सत्ता जो थी मजबूत थी। अशोक अपनी सेना को प्रबल मजबूत बनाए रखा था। उसके बाद मौर्यों की तरह सैनिक कुशलता को अभीष्ट महत्व नहीं दिया जाता। मौर्यों के द्वारा सैनिक दुर्बलता हुई, कमज़ोर हुई, इसीलिए उसको महत्व नहीं दिया गया। शासन सत्ता छिन गई, इसलिए साम्राज्य को संगठित रखना असंभव था। सेना जैसे किसी राजा किसी देश की बॉर्डर की सेना कमज़ोर हो जाए तो बगल का पड़ोसी आक्रमण करेगा, तो हम आप सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसलिए सेना को मजबूत करना आवश्यक है, जिससे हमारा देश, हमारे नागरिक सब लोग सुरक्षित रहें। नई शक्तियों का उदय। गुप्त साम्राज्य की असहाय स्थिति से, किसके स्थिति से, गुप्त साम्राज्य की असहाय स्थिति से लाभ उठाकर मौखरियों ने अपना सिर उठाया। देखिए, गुप्त साम्राज्य जब असहाय की स्थिति में था तो मौखरियों ने भी उसका लाभ उठाकर अपना सिर उठाया, यानी मौके का फायदा लेने का प्रयास किया, मौके का फायदा लिया भी। प्रारंभ में मौखरी लोग गुप्तों के अधीनस्थ शासक थे। यही शुरू में प्रारंभ में मौखरी लोग गुप्तों के अधीनस्थ शासक थे, यानी गुप्तों के अधीन इनकी शासन सत्ता चलती थी। परंतु धीरे धीरे उन लोगों ने अपने अधिकार का विस्तार किया। किसने? मौखरियों ने। जब गुप्त साम्राज्य दुर्बल हो गया तो मौखरियों ने धीरे धीरे अपने अधिकार का विस्तार किया, यानी अधिकार को मजबूत किया। और कुमार गुप्त तृतीय के समय वे लोग काफ़ी शक्तिशाली हो गए। किस राजा के समय? कुमार गुप्त तृतीय के समय मौखरी काफ़ी शक्तिशाली हो गए। यही मौखरी गुप्त साम्राज्य के समय उसके अधीनस्थ शासक थे, लेकिन जब गुप्त साम्राज्य कमज़ोर हुआ, यही मौखरी मजबूत होने के बाद कुमारगुप्त तृतीय के नेतृत्व में काफ़ी शक्तिशाली हो गए। अगला है आर्थिक दुर्बलता। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम आदि गुप्त शासकों ने अनेक युद्ध द्वारा विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। यानी गुप्त साम्राज्य को स्थापित करने में किसका किसका योगदान था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम आदि गुप्त शासकों ने अनेक युद्ध द्वारा, कई युद्धों के द्वारा, बड़े बड़े विशाल युद्धों के द्वारा विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। इन युद्धों में अपार धनराशि खर्च हुई होगी। इन युद्धों में बहुत ज़्यादा धनराशि खर्च की गई होगी, तब वह जीते थे। आर्थिक रूप से मजबूत थे तभी तो जीते थे। लेकिन योग्य गुप्त शासकों के कारण, किसके गुप्त शासकों के कारण, लेकिन योग्य गुप्त शासकों के कारण आर्थिक अभाव प्रारंभ में नहीं हुआ। योग्य गुप्त शासक भी थे, आर्थिक प्रभाव भी नहीं था, आर्थिक रूप से मजबूत भी थे, लेकिन बाद में गुप्त शासकों को धन की कमी महसूस हुई। लेकिन बाद में गुप्त शासकों को धन का अभाव महसूस हुआ। अब वे जनता की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी असमर्थ रहने लगे। जिस राजा के अंतर्गत जितनी प्रजा होती है वो काम करती है, जब राजा कमज़ोर हो जाता आर्थिक रूप से तो राजा प्रजा की मदद नहीं कर पाता, असमर्थ रहता है, उससे भी शासन सत्ता चली जाती है। अब वे जनता की दैनिक आवश्यकता, यानी जनता की रोज़मर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करने में असमर्थ रहा। कौन? गुप्त साम्राज्य। स्कंद गुप्त के लगातार, किसके? स्कंद गुप्त के लगातार हूणों से आक्रमण होने के कारण राजकोष पूर्णता खाली हो गया। स्कंद गुप्त के लगातार हूणों से आक्रमण चलने के कारण स्कंद गुप्त का पूरा राजकोष
खाली हो गया। अतः ऐसी स्थिति में गुप्त साम्राज्य का पतन होना स्वाभाविक था। अब है गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद नए राज्यों का उदय, यानी एक साम्राज्य का पतन होता है उसके बाद नए नए राज्यों का अभ्युदय होता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद किस किस राज्य का अभ्युदय हुआ? पहला है मालवा के गुप्त का उदय हुआ, दूसरा कान्यकुब्ज के मौखरी का उदय हुआ, तीसरा बल्लभी के मैत्रक का उदय हुआ। यानी गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद किन किन राज्यों का उदय हुआ? पहला मालवा के गुप्त का उदय हुआ, दूसरा कान्यकुब्ज के मौखरियों का उदय हुआ। यही मौखरी गुप्त साम्राज्य के अधीन रह करके कार्य करते थे, अधीनस्थ शासक थे। वही मौखरी बाद में इनकी शासन सत्ता चली जाने के बाद इनसे शासन सत्ता लेकर के अपने मजबूत हो गए, हूण भी आक्रमण करके मजबूत हो गए। इसके बाद बल्लभी के मैत्रक भी नए राज्यों का अभ्युदय कर गए। सारांश, लगभग 550 और 595 ईस्वी के बीच, किसके बीच? लगभग 550 और 595 ईस्वी के बीच गुप्त साम्राज्य का सूर्यास्त हो गया। 550 और 595 ईस्वी के बीच गुप्त साम्राज्य का पूरी तरह पतन हो गया, सूर्यास्त मतलब समाप्त हो गया। गुप्त वंश की स्थापना 319 ईस्वी में हुई थी, गुप्त वंश की स्थापना 319 ईस्वी में हुई थी। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय ने साम्राज्य को काफ़ी विस्तृत किया। किसने किसने साम्राज्य को विस्तृत किया था? गुप्त साम्राज्य को चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय ने साम्राज्य को काफ़ी विस्तृत किया। कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त तक तो साम्राज्य खड़ा रहा। कुमार यानी चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विशाल साम्राज्य का अभ्युदय किया, विस्तार किया, और कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त तक तो साम्राज्य खड़ा रहा। किंतु स्कंदगुप्त के बाद कमजोर गुप्त नरेशों के राज्यकाल में लड़खड़ाने लगा। किसके कार्यकाल के बाद? स्कंदगुप्त के बाद कमजोर गुप्त नरेशों के राज्यकाल में लड़खड़ाने लगा। पुष्यमित्रों और हूणों के आक्रमण बढ़ गए। किसके आक्रमण बढ़ गए? पड़ोसी हूण का भी आक्रमण बढ़ गया, पुष्यमित्र का भी आक्रमण बढ़ गया। बार बार किसी कमजोर कमजोर शासन सत्ता पर आक्रमण किया जाए तो वह धीरे धीरे दुर्बल होता जाता है, कमजोर होता जाता है। उसके बाद कुछ दिन बाद उसकी शासन सत्ता समाप्त हो जाती है। आंतरिक कलह भी सुलगने लगी। जब कोई साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगता है तो वह पहले अपने घरेलू आंतरिक कलह से कमजोर होने लगता है। उत्तरकालीन गुप्त नरेशों, बुद्धगुप्त, बालादित्य आदि की शांति अहिंसा नीति भी साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। किसके लिए घातक सिद्ध हुई? उत्तरकालीन गुप्त नरेशों, बुद्धगुप्त, बालादित्य आदि की शांति अहिंसा नीति भी साम्राज्य के लिए घातक। कहीं कहीं अहिंसा की नीति साम्राज्य को बचाने में असफल रहती है, कहीं कहीं कोई साम्राज्य छीनने के लिए हिंसा का प्रयोग करना पड़ता है, बल का प्रयोग करना पड़ता है, हमें अपने शक्ति को दिखाना पड़ता है। सामंतों की स्वतंत्रता, मालवा के गुप्त, कान्यकुब्ज के मौखरी, सामंतों की स्वतंत्रता मालवा के गुप्त, कान्यकुब्ज के मौखरी और बल्लभी के मैत्रकों के उदय ने गुप्त साम्राज्य को ग्रस लिया। किसके किसके कारण? सामंतों की स्वतंत्रता, मालवा के गुप्त, कान्यकुब्ज के मौखरी और बल्लभी के मैत्रकों के उदय ने गुप्त साम्राज्य को समाप्त कर दिया। धन्यवाद।